बैक टू माई चैनल बैक एरिना। ये जो 220 बाइक है इसका साउंड अभी बिगड़ गया है, इसका साउंड बनाना है। अभी 25,000 चल गया, इसका साउंड बिगड़ गया है। देखिए 26,000 किलोमीटर चल गया, इसका साउंड बिगड़ गया। इसका मेल फीमेल क्लच प्लेट वेट बैलेंसर बैलेंसर फेरना ये मैंने खोल कर रख दिया है। ये रहा मेल फीमेल, और यहाँ पर है क्लच प्लेट। ये जो वेट है ये जो बिगड़ गया है, इसके वजह से ये चेंज करना पड़ रहा है, इसका साउंड बनाना पड़ रहा है। इसका साउंड पूरा ही बिगड़ गया है, तो इसमें दो बैलेंसर और वेट बैलेंसर नया डालने जा रहे हैं। अब डाल के आप लोगों को दिखाएंगे साउंड कैसा है। ये बैलेंसर मिलाने जा रहे हैं, ये इधर से 3 राउंड पर मिलता है और उधर से भी 3 राउंड पर मिलता है। तो जो है नया बैलेंसर है इसको राउंड मिलाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए। इधर से 3 राउंड पर मिलता है और उधर से भी 3 राउंड पर, 220 का 3 राउंड पर मिलता है और 150 का 2 राउंड पर। बैलेंसर हो गया, अब इसको फिट करना बाकी। बॉडी बैलेंसर चेंज करने जा रहे हैं। बॉडी बैलेंसर में यहाँ पर दाग हो गया है, तो जो जो दाग है सफेद सफेद ये सभी दाग हो गया है, ये चेंज करने जा रहे हैं। इसमें दाग नहीं है, नया है। और बाइक वाइब्रेशन कर रहा है, इसके लिए ये सब चेंज कर रहे हैं। बाइक वाइब्रेशन भी नहीं करेगा आप लोगों का। टाइमिंग नहीं, वहाँ पर टाइमिंग है, टाइमिंग अपने आप में बॉडी बैलेंसर जाकर बैठ जाएगा। यहाँ पर एक मार्क होता है, ये जो टाइमिंग नहीं है ये सीधा यहीं पर मिलता है, ये टाइमिंग है। और बॉडी बैलेंसर लॉक डाल रहे हैं, लॉक वो लॉक नहीं रहेगा तो बड़े बैलेंसर कभी नहीं बैठेगा। वो जो है जो लॉक है बैलेंसर में दो वाशर होता है, एक भीतर से एक बाहर से। ये जो है भीतर का वाशर है और एक जो है ऊपर से बाहर से डाला जाता है। टाइमिंग यहाँ मिला देने से देखे हेंग रहे चाहिए, यही टाइमिंग हेंग रहे चाहिए। देखिए यहाँ पर जो जो ये है टाइमिंग है, ये जो एक है टाइमिंग है और ये गाइड प्राइमर गाइड का टाइमिंग यहाँ पर है। ये मार्क इसका सीधा है मार्क, उसके बाद में हाउसिंग लगता है, उसके बाद हाउसिंग लगेगा। बैलेंसर का वाशर ऊपर से है, हाउसिंग सेट कर रहे हैं। अब जो है हाउसिंग फिट करने जा रहे हैं। मेल फीमेल के क्लच प्लेट में एक पातर वाशर होता है और एक मोटा मोटा वाला जो कटल होता है वो ऊपर होता है। ये प्रेशर प्लेट है, ये सबसे नीचे वाला है, इसमें जो है यहाँ पर घाट होता है, ये जो नीचे क्लच प्लेट में बैठता है। और उसके बाद क्लच प्लेट और कोई भी प्रेशर प्लेट डाल दे। अरे ये स्प्रिंग भी मिला कर डालना पड़ता है, थोड़ा घाट नहीं होता है, बस ना मिली तो हार्ड हो जाए। 5 वाटा स्प्रिंग है, ये जो मिला कर डालना पड़ता है, नहीं तो क्लच हार्ड हो जाता है। इधर का जो पार्ट है वो भीतर रहेगा हाउसिंग में, और इधर के जो मेल फीमेल के बाहर, नहीं तो क्लच नहीं मिलेगा।
बस उठी दे रहे ज़्यादा ना तू पानी मारे जरा पानी मारने वाले चंद्र आस्था दे मशीन हमसे चला का आदमी कहाँ आ गया।